नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ममता को एक और झटका, मंत्री पद से लक्ष्मी रतन शुक्ला का इस्तीफा। केरल ने घोषित की राजकीय आपदा, हरियाणा में 1,00,000 मुर्गियों की मौत। बिल गेट्स ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत का नेतृत्व देख खुशी होती है। हाईकोर्ट ने पंजाब और केंद्र को जारी किए नोटिस, मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ का मामला। वर्षों बाद सैकड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह और भक्ति का माहौल है। लेकिन इसी बीच पहले उज्जैन, उसके बाद चांदनखेड़ी में जागरूकता रैली पर पथराव हुआ था और अब इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसका कारण रहा कि कार्यकर्ताओं का ये असल कहना है कि ढाबा मालिक ने राम जन्मभूमि को लेकर पोस्टर फाड़ा है, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए ढाबे पर पथराव किया। मामले में कुछ युवकों के घायल होने की सूचना मिली है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। मामले में पुलिस ने ढाबा संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं है, हिंदू समुदाय के लोग हैं, हम सब मिलकर राम भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं। कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, उस विषय में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। हम सब हिंदू समाज के लोग हैं, आपस में बैठ के चर्चा करके इस मामले को निपटा लेंगे। थोड़ा सा विषय था, कुछ बोर्ड पे उनके कोई पोस्टर लगा हुआ था तो वो निकालने का आग्रह उन्होंने किया था, उस विषय पे थोड़ी सी आपस में सब लोगों से उन्होंने समझौते के लिए बोला था कि आप निकाल लीजिए। हमने उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन आपस में कुछ बातचीत हुई, इस वजह से थोड़ा सा मामला था, बैठ के हम उसका हल निकाल लेंगे। इंदौर शहर से आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला MIG थाना क्षेत्र का है, जहां एक कारोबारी ने देर रात अपने ही घर में आत्महत्या की कोशिश की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कारोबारी के घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें करीब 10 से 15 लोगों से के प्रताड़ित किए जाने की बात का खुलासा हुआ है। दरअसल श्रीनगर के पास रहने वाले 42 साल के कारोबारी भरत जैन ने घर में ही जहरीली दवा खाकर जान देने की कोशिश की है। इसके बाद परिजन घायल कारोबारी को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां कारोबारी का इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है। दिन ब दिन अपराधियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी कड़ी में हापुड़ जनपद की नगर कोतवाली क्षेत्र की पौश कॉलोनी प्रीत बिहार में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां बेखौफ दबंगों ने घर में परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश लाखों रुपए के जेवर और हजार रुपयों की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में जल्द ही खुलासा करने का दावा किया है। मंगलवार को भोपाल के नेहरू युवा केंद्र पर राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रोटोम स्पीकर रामेश्वर शर्मा मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 102 नौजवानों को संवाद के माध्यम से जोड़ा गया है और सीधा संवाद उनसे किया गया है। इस आधार पर नौजवानों के मन में देश, समाज और पर्यावरण के बारे में जो विचार है और वर्तमान परिस्थितियों में वो क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस पर उनके विचार सुने गए हैं। वहीं 2019 में युवा संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवम जैन ने कहा कि जब युवा संसद का प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी प्रतिभा पुरस्कृत होती है। युवा संसद हमेशा देश की संसद की प्राइमरी पाठशाला है, यहाँ युवकों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। देखिए, मध्य प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं और हाल ही में अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश देश में वो पहला प्रदेश है कि जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी 10,000 रुपये जो है उपलब्ध कराकर और नौजवान को रोजगार खड़ा करना और उसका कोई ब्याज नहीं लेना। अगर वो 10,000 रुपये का रोजगार खड़ा करके जमा करता है तो अगली बार उसको 50,000 तक का लोन भी मिल सकता है और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हम उसके गारंटर बन सकते हैं। तो आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि अपने स्वयं के रोजगार को अवसर तलाशो। हम रोजगार तलाशने घूम रहे हैं पर रोजगार नहीं मिल रहा और ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण हमारे और आपकी ज़िंदगी में बनते हैं कि वो कुछ नहीं थे लेकिन जब संघर्ष का उनने ठेला शुरू किया तो आज वो बड़े बड़े बिल्डिंगों के अट्टालिकाओं के मालिक हैं, हम देखते हैं। और इसलिए संघर्ष करोगे बिना शर्म के, बिना झिझक के जब संघर्ष करोगे, आजकल तो क्या है कि हर के मन में झिझक है,
मतलब पेड़ लगाने जाना चाहता है तो वो ऐसे करता है कि हाथ ना मिट्टी में सने, मिट्टी में हाथ सने बिना पेड़ नहीं लग सकता, फोटो आपका खींच सकता है, फिर पेड़ से भी आप नहीं जुड़ सकते। पेड़ से तो तभी जुड़ोगे जब आप उस वृक्षारोपण में दिल से अपने हाथों से मिट्टी उठाकर गीली करके उस पर लगाओगे, उसमें खाद डालोगे और उसको भरपूर सहारा दोगे, तब जुड़ पाओगे। इसलिए आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि जो आपके अंदर मन में भाव है और जो करना जानते हो उसको करिए, और मध्य प्रदेश सरकार उसको कराएगी और नौजवानों के अवसर, रोजगार के अवसर खोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसके लिए बधाई के पात्र। 2019 में मध्य प्रदेश से मैंने युवा संसद में मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया था, और मुझे मालूम है कि जब युवा संसद में जाता है, वहाँ पर बोलता है या राष्ट्रीय मंच पर बोलता है, तो उसकी प्रतिभा अपने आप में पुरस्कृत होती है। कई बार हमें लगता है कि जब हम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आते हैं तो स्वाभाविक है कि जब आज 102 लोग बोल रहे हैं तो उसमें से 99 लोग कहीं ना कहीं छूट जाएंगे और 3 लोग जो विजेता होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखेंगे। तो प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम पुरस्कृत हों या ना हों लेकिन परिष्कृत जरूर होते हैं। तो आज जब हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे, जो देश के प्रमुख विषय हैं कि आज जलवायु परिवर्तन बड़ा खतरा है या कोविड-19 बड़ा खतरा है, आप देखेंगे कि कोविड-19 के लिए पूरा विश्व वैक्सीन बना रहा है, पर जलवायु परिवर्तन जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, जो क्षितिजल पावक गगन समीरा की जो भूमि रही है, उसको जलवायु परिवर्तन भी चिंतन करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रदेश सरकार के रोडमैप तैयार कर लिया है और साल 2021 में इस पर तेजी से काम शुरू होने वाला है। इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से बाहर प्रकृति की गोद में मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन किया। मंत्रियों के साथ बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दिया है। उसी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत आज हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने मंत्रियों के साथ विस्तृत तौर से चर्चा के लिए बैठ रहे हैं। आज मंत्रिमंडल की मेरी पूरी टीम के साथ कई विषयों पर विचार करने के लिए हम बैठ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। उन्होंने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने विचार विमर्श करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है, और उस रोड मैप के कई पहलू हैं। उसको जमीन पर उतारने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज सारे मंत्री साथी बैठकर उसको जमीन पर उतारने की योजना तो है, रोड मैप है, उसके क्रियान्वयन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो हर पहलू है, अधोसंरचना, रोजगार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और सुशासन, गुड गवर्नेंस, इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करके कुछ और चिंतन मंथन से जो चीजें निकलेगी उसको फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक बहुत प्रमुख पहलू है रोजगार और अर्थव्यवस्था, उस पर हम लोग विस्तार से विचार करेंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि हर महीने कम से कम 1,00,000 रोजगार के अवसर पैदा हो, प्राइवेट सेक्टर से भी, अधोसंरचना के कामों से भी, इंडस्ट्रीज वगैरह में प्लेसमेंट से भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सशक्तिकरण से भी, अनेकों उसके पहलू है। तो रोजगार के अवसर कैसे सृजित हों, फिर अर्थव्यवस्था कैसे उठ के खड़ी हो और मजबूत हो, और हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी फैसले करने पर विचार चल रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जनता को चाहिए सुशासन। लगातार हम लोग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, नए तरीके की सोच रहे हैं, जिसके कारण जनता को बिना किसी परेशानी के, बिना लिए दिए सेवाओं का लाभ मिले। एक सख्त प्रशासन, लेकिन और क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुछ नवाचार, अलग अलग विभाग क्या क्या कर सकते हैं अपने विभागों में जो जनकल्याण के लिए हो, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कुछ नए आइडियाज हों सरकार के बारे में कि हमको और क्या करना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस भी तैयार
तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस ने प्रदेश की सभी नगर पालिका नगर निगमों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। इसे लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि इस बार योग्य और जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाएंगे। विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि किसान आंदोलन को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशन पर मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर 20 जनवरी को किसान कांग्रेस का प्रदेशव्यापी सम्मेलन बुलाया गया है। इस मौके पर विधायक वर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। नगर निगम ने नगर पालिका की थी आज बैठक, तो आज नगर पालिका में तो सब बड़े समझदार लोग बैठाए हैं। अब देखिए नगर निगम में तो सीनियर लोगों को बैठाना पड़ता है जो अनुभवी हों। हार और जीत से यदि आकलन करेंगे तो फिर तो ना बीजेपी में नेता बचेंगे ना कांग्रेस में नेता बचेंगे। तय कर दिया कि नेता पत्नियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, उन जगहों पे जहाँ पे अन्य महिला दमदारी से काम करती है, कांग्रेस का झंडा लेके खड़ी है, वहाँ पे नेता पत्नी की बजाय उस महिला को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब जहाँ नहीं है कहीं योग्य उम्मीदवार तो नेता पत्नी को या उनकी बहन को दिया जा सकता, प्रायोरिटी जमीनी महिला जो काम करती है। बीती रात इंदौर के MR10 पर पाथ टोल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना में साफ देखा जा सकता है कि गुंडों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, साथ ही टोल पर खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पैसे लेने के बाद को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को बाणगंगा थाने की पुलिस ने संज्ञान में लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू की है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अब इसी कड़ी में राम मंदिर निर्माण समिति के माध्यम से पूरे देश में राम मंदिर निर्माण हेतु धन समर्पण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के चलते सभी भक्तों से उम्मीद की जा रही है कि राम मंदिर के निर्माण में अपना तन मन धन समर्पण करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए आरोन के सनकादिक आश्रम में प्रदाय सामग्री का पूजन किया गया। बता दें श्री श्री 1008 श्री महंत ओमकार दास जी के शुभ हाथों से यह कार्य किया गया है। इस मौके पर भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। बड़वानी की पानसेमल जनपद के मतराला गांव में कलेक्टर के निर्देशन के बाद भी ग्राम पंचायत का कार्यालय नहीं खोला गया। आपको बता दें बड़वानी जिला कलेक्टर ने सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को पंचायत कार्यालय में जनसमस्या को लेकर सचिव और पटवारी की उपस्थिति अनिवार्य की थी, लेकिन पंचायत भवन का ताला खोलने कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पहुंचा। पंचायत भवन का ताला मिलने में ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। यहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उनके द्वारा मांगी गई जानकारियां भी उन्हें नहीं दी जा रही है। समस्या हमारे काफ़ी दिनों से चल रही थी, हमने इनको आवेदन लगाया था इन सूचना के अधिकार तहत। नरेगा में जितने भी काम हुए थे उसकी हमने जानकारी इनको दी है कि हमारे को जानकारी चाहिए किसके खाते में कौन से काम के पैसे गए हैं, इसलिए हमने इनको आवेदन लगाया था और आज हम उनको सूचना भी देने गए थे कि आज हमारी जनसुनवाई में हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए, इसलिए हमने ये उनको आवेदन के तहत वो जानकारी मांग रहे थे हम। तो पंचायत में सचिव और सरपंच आए थे? नहीं आए, कोई नहीं आया, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया। जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया, हमने सूची उनको आवास प्लस के लिए भी हमने आवेदन सूचना के अधिकार तहत पहले लगा चुके हैं, आज दिनांक तक हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ। तो पंचायत आज सुबह से नहीं खुला? सुबह से तो अभी तक की नहीं खुली है, ताला लगा हुआ, ताला लगा हुआ है। सहायक सचिव सचिव दोनों नहीं है। रही बात सरपंच को सूचना दी थी कुछ? सहायक सचिव को सूचना देने गए थे, ये व्यक्ति को भेजा था हमने सूचना देने के लिए, तो इनको धमका रहे वो कि तुम्हारे, वो बोल रहे कि तुम्हारे को कौन बोल रहा है कि जनसुनवाई आज है बोले, और पंचायत खोलने लगा दो हमारे को लगा रहे बोले तुम बोले। किसके द्वारा बोला गया था? सहायक सचिव द्वारा। क्या बोला गया था? सहायक सचिव द्वारा ये बोला गया कि तुम किसकी सूचना पे आ रहे बोले हमारे पास बोले पंचायत खोलने लगा रहे बोले, तुम कौन होते बोले हमारे को पंचायत खोलने लगा रहे बोले, तुम्हारे ऊपर बोले 153 की धारा लगा दूंगा बोले, ऐसा करके सहायक सचिव द्वारा हमारे को धमकाया गया है। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।